भगवान। हाँ जी। कल एकादशी का व्रत करना है। हाँ। मैं मार्केट जा रहा हूँ। हाँ। बता दो क्या क्या सामान लाना है। तो व्रत में जो लगता है वो ले आओ, मतलब तो कागज उठाओ, उसमें सब लिस्ट बना लो, बता दो मुझे। कागज और पेन दो मुझे। तो यह लो सब, अपना लिखो, अपना बनाओ। तुम आइटम बोलो और मैं लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, लिखो। हाँ बताओ। अरे क्या कहते हैं, ये 500 ग्राम सेब लिख लियो। 500 ग्राम सेब? हाँ। तो भगवान, 500 ग्राम सेब में मेरा क्या होगा? ये तो कितना लाओगे, जितना चाहो उतना ले आओ, जाके हम क्या करें। अरे खाते पीते घर का हूँ मैं, नहीं जानती हो, मेरा पेट नहीं देखती हो। अरे करीब करीब, अरे इस गरीब के पेट का भी तो ख्याल रखो। अरे तो अपने आप नजर लगा लो, खाते हो तो क्या हो, कमाते नहीं हो क्या? कर ले आओ, जितना मरो उतना ले आओ, 1 किलो ले आओ, 2 किलो ले आओ। ये बताओ तुम कितना खाओगी? अरे हम कहीं ज्यादा नहीं खाते हैं सेब। कितना? 1 किलो? अरे चलो 5 किलो ले लो, हम खा लेंगे कल भरे में। नहीं, कल के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ। एकादशी के लिए कल व्यवस्था है। अच्छा अच्छा, एकादशी। अच्छा ये तो हम तो भूल ही गए थे कि एकादशी है। और अच्छा तो क्या कहते हैं, साबुदाना लिख लो, 500 ग्राम लिख लो, हो जाएगा। आप तो मीठा खाते नहीं हो, हम ही खाते हैं, और बच्चे खा लेंगे अपना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम 500 ग्राम में नहीं होगा, क्योंकि 4-5 बार व्रत में खाता हूँ, जानती होगी शुगर का पेशेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा 6-7 बार खाया करो दिन में। हाँ हाँ, पेट खाली न रखो। ठीक है, तो 6-7 बार तुम्हें मुझे देना पड़ेगा फल वगैरह और सब चीजें। अच्छा, तो 1 किलो में साबुदाना लिख ले रहा हूँ। अरे नहीं यार, थोड़ा लिखो, इतना काहे पैसा बर्बाद कर रहे हो, कम लिखो। 500 ग्राम? और का हो जाएगा। चलो ठीक है, 500 ग्राम। हाँ, एप्पल कितना बताया? अरे एप्पल 1 किलो ले लो। 1 किलो नहीं हो पाएगा, एप्पल मैं ज्यादा खाता हूँ। अच्छा ठीक है, 1.5 किलो ले लो। 2 किलो लिखता हूँ। ठीक है, 2 किलो लिख लो, क्योंकि मेरे पेट का ख्याल रखा करो ना। हाँ हाँ ठीक है। और अच्छा, फिर केला, केला लिख लो 1 दर्जन। 1 दर्जन लिख लो। 1 दर्जन में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, काफी है। अरे 1 दर्जन तुम ही खा लोगी तो कैसे हो जाएगा? अरे राम, उसी में खा लेंगे, उसी में आओ सबको दे देंगे, पर काहे परेशान हो, और सामान नहीं रहेगा कहीं, यही दोनों यही तो यही थोड़ी ना रहेगा। चलो ठीक है, चलो ये 2 दर्जन केले लिख देता हूं। अच्छा ठीक है, 2 दर्जन लिख लो। हाँ। और बताओ। हाँ ये तो हुआ सुबह का नाश्ता। हाँ, एकादशी व्रत के सुबह का नाश्ता हो गया। हाँ। अब दोपहर में नाश्ता में क्या दोगी वो लिखाओ। अब दोपहर में मतलब कुटू का आटा ले लो। अच्छा, और थोड़ा सा आलू उबाल के छोंक देंगे। हाँ। और मतलब ये थोड़ा सा मीठा ले आना। मीठा में क्या? अरे थोड़ा सा कलाकंद ले आओ, बस हो जाएगा अपना, 1/2 किलो ले आओ, खाने भर के हो जाएगा, ज्यादा क्या करोगे। हाँ, डॉक्टर ने तो एडवाइस दिया है कि मीठा नहीं खाना है, तब भी 1/2 किलो खा सकते हैं, नहीं खा सकते? नहीं नहीं, कब खाना, इतना मत खाना है। अरे तो कभी कभार नहीं खा सकते 1/2 किलो? अरे तुम तो बड़ा भूखा हो, मिठाई मिठाई के नाम पर लब 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 करने लगते हो तुम तो। यार तो व्रत ही में तो मिलता है खाने को, और कौन मिठाई रोज खिला। अरे राम, अरे राम, तुम खाया करो ऐसा, तुम्हारे कारण मैं भी नहीं खाती हूँ, इसीलिए तो आपके कारण मैं भी नहीं खाती हूँ, सब चीज त्याग दिया हूँ कि मीठा घर में आएगा क्या, तो आप ज्यादा खाओगे। ठीक है, 1/2 किलो लिख लेता हूँ कलाकंद। अच्छा चलो ठीक है, 1/2 किलो लिख लो। अच्छा तो कलाकंद हो गया और हाँ। कुट्टू का आटा हो गया। हाँ। 1/2 किलो। हाँ। और आलू लिख लो। आलू 5 किलो? 2 किलो लिखो। 2 किलो? 2 किलो हो गए, तो ये दोपहर के लिए व्यवस्था हो गयी। हाँ, फिर बताओ 4-5 बजे आफ्टरनून में 4-5 बजे। हाँ। हमें नाश्ता में क्या दोगी उसका? 4-5 बजे ये मतलब चाय बना दूंगी। हाँ। और मूंगफली भून देंगे। हाँ। और ये क्या कहते हैं, ये आरामदाना हो जाएगा। हाँ। और ये मतलब ये